नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार सैड IIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूँगा। हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोग है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड की गणित पाठ पुस्तक 6-2 से पाठ क्रमांक 18 जोड़ घटाना की जोड़ी पाठ को लिखे हैं। बहुत ही अच्छा और रोचक पाठ है, जिसमें कि जोड़ना और घटाना और उसकी जोड़ी के मतलब विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब जोड़ना घटाने को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और हम समझते हैं बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में। हम समझते हैं कि आपने ये पाठ बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट की व्याख्या कर दी है। आप बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन कराना चाहते हैं। यहाँ पर पुनर्अध्ययन की कई सारी प्रक्रिया है। आप गृहकार एक प्रक्रिया जो हमेशा इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को आप गृहकार देते हैं, होमवर्क देते हैं, बच्चे घर से करके लाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों को वो करना अच्छा नहीं लगता, बोझ लगता है, नीरस लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बच्चों को करना। तो क्यों ना इस प्रक्रिया को थोड़ा रोचक बनाया जाए। इसके लिए हम एक नवाचार क्रियान्वित करेंगे। हमारे नवाचार का नाम है गृहकार परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा। इस नवाचार की अगर नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए बच्चों को गृहकार करवाया जाता है। साथ ही पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन होता है, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन में 20 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। पूर्व प्रबंधन की जानकारी में हम बच्चों को यहाँ पर जोड़ना और घटाना की जानकारी को दोहराने का प्रयास किया जाएगा। और पूर्व प्रबंधन में हम यहाँ पर बात करेंगे कि बच्चों को अपने पाठ से संबंधित और जोड़ी जोड़ घटाना की जोड़ी पाठ से संबंधित बच्चों की संख्या के आधार पर बच्चों के लिए तारीख के प्रति तैयार करने की पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया ये हम कर रहे हैं। यहाँ पर इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि आपने बच्चों को ये पाठ पहले बहुत अच्छे से पढ़ा दिया हो, समझा दिया हो और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार की कॉन्सेप्ट की व्याख्या कर दी है। अब बच्चों को पुनर्अध्ययन कराएंगे। यहाँ पर बच्चों से कहा जाएगा कि बच्चों आपको घर जाना है और घर जाकर जो आपको तालिका दी जा रही है उसको आपको भर के लाना है अपने अभिभावक की आसपास किसी परिजन की मदद से। जो बच्चों को तालिका दी जाएगी उसमें विद्यार्थी का नाम लिखा होगा और यहाँ पर जोड़ लिखे होंगे, जैसे कि 84 + 81 कितना होगा, बच्चा जोड़ के लिख के लाएगा कहाँ से, घर से, किसकी मदद से, अभिभावक की मदद से। इसी प्रकार इस तालिका को भर के अभिभावक से कहा जाता है कि बच्चों की जोड़ना और घटाना की जानकारी को दोहराते हुए आपको इस पर विशेष बल देते हुए बच्चों का होमवर्क कराना, गृहकार करवाना है, साथ ही बच्चों की आपको पूर्ण रूप से मदद करनी है और बच्चों से कहना है कि इस तालिका को भर के आपको अगले दिन कक्षा में लेके आना है। बच्चों से कहा जाता है कि जब आप अगले दिन कक्षा में इस तालिका को भर के लाओगे तो आप इससे संबंधित जानकारी के आधार पर जो जानकारी भर के लाए हो तालिका में उससे संबंधित जानकारी के आधार पर आपके पाठ को दोहराया जाएगा। साथ ही दोहराने के साथ 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 ही क्या होगा कि अब यहाँ पर अगर बात करें हम कि जो जानकारी आप भर के लाए हो तो वो आप जो चार्ट में भर के लाए हो, तालिका भर के लाए हो, वो आप दूसरे बच्चों को कक्षा में के बताओगे भी, तो इससे क्या होगा कि आपका तो पाठ का पुनर्अध्ययन होगा, साथ ही दूसरे बच्चे सुनेंगे उनका भी पाठ का पुनर्अध्ययन होगा। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि गृहकार नवाचार की मदद से जोड़ घटाना की जोड़ी पाठ का पुनर्अध्ययन बहुत अच्छे से किया जाता है, बच्चों को बहुत रोचक लगता है, आनंद की अनुभूति होती है। आप भी इस नवाचार को अपनी कक्षा में जरूर क्रियान्वित करें। तो ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अपने वीडियो पर्सनल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत